ये चेक करो भाई मौसम। तो भाई आपको वैसे मैंने अब तक बताया नहीं कि गाड़ी कौन सी ले रहे हैं, तो डाउनलोड कर देंगे हमारी गाड़ी और मेरे ख्याल से कल या परसों तक मिल जाएगी मतलब। तो भाई लोग अपनी गाड़ी खड़ी है एकदम अपने सामने, पर आपको अभी नहीं दिखाएंगे, डिलीवरी के टाइम ही दिखाएंगे गाड़ी। ठीक हाँ जी, तो भाई लोग फिर से आपको स्वागत है हमारी से एक और नई वीडियो में। काफी टाइम बाद मतलब वास्तव में सच्ची इतने टाइम बाद ना 15-20 दिन हो गए मेरे को व्लॉग पाए हुए। मैं 15-20 दिन बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ और अपलोड पता नहीं कब करूंगा। तो हेलमेट वैसे टाइटल देखो को पता लग गया होगा। हाँ तो भाई आज हम जा रहे हैं अपनी नई गाड़ी बुक कराने और भाई इतनी खुशी हो रही है। वैसे हम कल गए थे पर कल जिससे हम बात कर रहे थे ना वो बोला क्या कहते हैं एम्प्लॉय जो था ना वो कल आया नहीं था। तो अब आज उसका फ़ोन आया, वो कहता अभी आ जाओ मैं अभी हूँ शोरूम में, क्योंकि जो हमने पहले उस गाड़ी की टेस्ट राइड ली थी ना तो हमने उसी से सारी बातचीत करी थी, तो इसलिए अब वो वहाँ पे है। तो अब हम जा रहे हैं महिंद्रा के शोरूम, महिंद्रा की गाड़ी है वो, पर गाड़ी कौन सी मैं आपको वो नहीं बताऊँगा, ठीक है? जब गाड़ी की हमें डिलीवरी मिलेगी ना तब दिखाऊँगा आपको गाड़ी कौन सी है। चलो तो भाई लोग फाइनली अपनी गाड़ी बुक हो चुकी है यहाँ पे, और गाड़ी आने में कम से कम लगेंगे 45 दिन, मतलब लगा लो डेढ़ महीना लगेगा। और ये रही स्लिप अपनी बुकिंग, तो लो भाई स्लिप देख लो, यहाँ नीचे गाड़ी का नाम लिखा और ऊपर फोन नंबर लिखा है, वो हाइड कर दी। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी बुक हो चुकी है और इस गाड़ी के अपने बुकिंग अमाउंट दिए हमने 21,000 रुपये। बस अब चल रहे घर, अब डेढ़ महीना घर बैठ के बोर होंगे, वेट करेंगे फिर वापस आएंगे इसी महिंद्रा के शोरूम में अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने। तो भाई लोग अभी टाइम हो रहे हैं 12:50 और आज डेट है 16 तारीख है ना, 16। व्लॉग वैसे मैं सारा इकट्ठा ही डाल रहा हूँ गाड़ी की डिलीवरी वाला, पर आज जो है हम अपनी गाड़ी की डाउन पेमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है? और ये थी अपनी गाड़ी की सारी डाउन पेमेंट। तो ये मम्मी अभी थोड़ा अलग कर रहे हैं पैसे, तो डाउन पेमेंट कर देंगे हमारी गाड़ी और मेरे ख्याल से कल या परसों तक मिल जाएगी, मतलब अगले मंडे से पहले वाले मिल जाएगी। आज डे क्या है, आज थर्सडे, ठीक है? तो अगले मंडे से पहले वाले अपने को गाड़ी मिल जाएगी, तो आज डाउन पेमेंट कराते हैं फिर देखते क्या बनता है अभी। और मौसम भी आज बाहर ना मस्त हो रहा है एकदम। तो बस भाई सुबह से निकल रखे हम, अपने बैंक के काम भी करवा रहे हैं आज, गाड़ी लेने में इतना झंझट करना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है मेरे को आज पहली बार पता लगा, क्योंकि आगे तो भाई पापा ही लेते हैं गाड़ी और वही करवाते हैं हमेशा सब कुछ जाके बैंक में। ये चेक करो भाई मौसम, चेक करो मौसम, क्या बात है सुबह से, मतलब इतने टाइम बाद आज जाके मौसम है, सुबह बारिश वाला ना। तो भाई आपको वैसे मैंने अब तक बताया नहीं कि गाड़ी कौन सी ले रहे हैं हम, वो आपको इसी वीडियो में लग जाएगा पता, लेकिन जब डिलीवरी होगी तब। भाई साहब नहीं, खतरनाक बारिश हो रही ना आज, पूरी रोड भर चुकी है हर जगह, दो तीन दिन बाद। हाँ तो भाई लोग फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने। आज 18 जुलाई और आज आपको फाइनली पता लग जाएगा कि हमने कौन सी गाड़ी बुक कराई है। पूरी स्टोरी मैंने बाद में बताऊंगा, अभी हम यहाँ से पहले निकले फिर आपको बताते पूरी स्टोरी क्या है, ठीक है? अपनी की कैसे अपना ये प्लान बना गाड़ी लेने का। तो भाई मम्मी और रीमा जा रहे हैं एक मिठाई का डब्बा लेने, वहाँ से आपको बताता हूँ कि क्या कहानी है अपनी गाड़ी लेने की, ठीक है? तो भाई आपको पता कि पापा दो ढाई महीने के लिए बाहर गए थे ड्यूटी पे, तब हम घर पे ऐसे वेले बैठे रहते थे, दुखी हो गए थे हम तो घर बैठ बैठ के। तो ना एक दिन हमारा वैसे ही प्लान बन गया कि चलो एक बार ना थार देख के आते हैं। खरीदने का प्लान था नहीं वैसे इतना, पर मन करेगा कि चलो थार देख के आते, देखते वैसे क्या रेट है थार का, और थोड़ा चलाने का मन था। तो वैसे हम चल गए टाइम पास करने के लिए महिंद्रा के शोरूम में, फिर वहाँ पे हमने थार थोड़ी देखी, टेस्ट राइड ली उसकी, फिर भाई वो भाई साहब उसने बताया कि ऑन रोड आपको 4x2 वाली, 4x2 मेरे को लगा सस्ती होगी, मैंने वीडियोस वगैरह देखी उसमें दिखाते 12 लाख की ऑन रोड 4x2 थार, वहाँ देखे तो भाई थार अपने को 4x2 पड़ रही ऑन रोड 15-16 लाख की। फिर हमको लगा छोड़ यार फिर क्या ही था लेनी, और मम्मी को ना थार कंफर्टेबल भी नहीं लगी थी कि बार बार सीटें करो फोल्ड करो और ये वो सब, तो अपना प्लान कैंसिल हो गया, ठीक है? फिर वैसे ना ये वाली गाड़ी जो हम ले रहे हैं ये वैसे ही वहाँ खड़ी हुई थी नीचे, फिर तो मम्मी ने कुछ हमने कुछ नहीं करा, हमने बस दरवाजा खोला और अंदर से देखी भाई साहब इतनी सुंदर गाड़ी, तो हमने देखा कि गाड़ी इतनी सुंदर है, फिर बस दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाद हमने कुछ नहीं पूछा। फिर 2-3 दिन बाद वैसे ही प्लान बन गया कि चल एक बार ना वो वाली गाड़ी भी देख के आते हैं, फिर हम ये वाली गाड़ी गए देखने, इसकी टेस्ट राइड ली, अपने को ये गाड़ी पसंद आ गई, ये अपने बजट में भी आ गई थोड़ी। तो बस फिर उसके 2-3 दिन बाद जाके हमने ये गाड़ी बुक करा दी। फिर हमने पहले कराया था इसका ब्लू कलर बुक, ब्लू कलर अपने को मिल रहा था 2 महीने बाद, ठीक है? उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मम्मी हम वैसे कहीं जा रहे थे, रास्ते में हमने ना ब्लू कलर देख लिया गाड़ी का, मम्मी को ब्लू कलर पसंद नहीं आया, फिर हमने ब्लू कलर कैंसिल करवाया। उसके बाद हमने दोबारा बुकिंग कराई इस कलर में जो हम अब ले रहे हैं, ठीक है? वो कलर भी नहीं बताऊंगा आपको, तो इस कलर में बुकिंग कराई हमने। फिर वो कहते कि इसकी वेटिंग भी 2 महीने से ज्यादा हो जाएगी आपको।
फिर मैं कहा अभी 2 महीने, अभी 1 महीना निकला है, अब 2 महीने हो और फिर पता नहीं कितना टाइम निकलता रहेगा, सर 3-4 महीने लग जाएंगे गाड़ी आने में। और हम ले रहे थे पेट्रोल, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि आपको ना डीजल मिल सकती है, वो जल्दी मिल जाएगी, मैं आपको अभी 3-4 दिन में कर दूंगा डिलीवर डीजल। फिर हमने देखा कि यार डीजल थोड़ी महंगी पड़ रही है, और ये जो कलर हमें चाहिए वो कलर भी मिल रहा था उसमें, बस दिक्कत ये थी कि थोड़ी महंगी पड़ रही है। पर फिर हमने बस बुक करा दी, डीजल ही करा दी। फिर हमने 3-4 दिन बाद वही आज फाइनली दिन आ गए कि आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने। तो हाँ, बस फाइनली अपने पास ही भाई लोग दो दो गाड़ियां हो जाएगी, अपनी ये गाड़ी भी अपने पास रहेगी और अपनी नई गाड़ी भी अपने पास रहेगी। कई लोग सोच रहे कि तुम्हारे भाई पापा कहाँ हैं, वो दिख नहीं रहे, तो वो जब से ड्यूटी से आए हैं ना उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसकी वजह से उनको हम साथ में लेके आए हैं। और हमने बीच में उन्हें कह दिया था कि हमने बुकिंग ना कैंसिल करा दी है और हम गाड़ी नहीं ले रहे, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि पापा को देंगे सरप्राइज गाड़ी का। पापा को अभी भी कुछ नहीं पता, अभी हम बोल के आए कि हम किसी बैंक के काम से जा रहे हैं मम्मी के। और भाई एक और दिक्कत हो गई थी, हमने ना नानी को भी बुलाया था, नानी मेरे मामू भी आ रहे हैं, और रास्ते में क्या हुआ, उनके ऊबर में मतलब आ रहे थे, उनके गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, फिर अब वो उनको वहाँ से एक और ऊबर करा रहे हैं वो, तो अब आ रहे हैं वो यहाँ पे। साथ में हमने एक दोस्त को बुलाया जो कि वीडियो वगैरह शूट करेगा अपनी सारी यहाँ पे। फिर देखते ही आ गया भाई महिंद्रा का शोरूम, ये महिंद्रा का शोरूम। और हाँ, रीमा पहली बार देख रही है गाड़ी, इसको भी नहीं पता कि कौन सी गाड़ी है। तो भाई लोग अपनी गाड़ी खड़ी है एकदम अपने सामने, पर आपको अभी नहीं दिखाएंगे, डिलीवरी के टाइम ही दिखाएंगे गाड़ी, ठीक है। अभी गाड़ी की साफ सफाई वगैरह चल रही है। और भाई क्या खतरनाक लग रही है। अच्छा देख, टैक्सी में साफ सो इधर बैठ भाई, ये ना बातचीत। तो ये भी सही डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है। रुके साथ साथ मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ, तू देखता नहीं मेरा व्लॉग। ओ देखो बात रह 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 तेरा 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 चैनल है, अनसब्सक्राइब करता हूँ। एम्बुलेंस ले ले, पीछे खड़ी एक थार ना। तो भाई लोग पहले दिन ना हम यही इसी थार में बैठे थे और यही थार देख के गए थे, और हमें पता नहीं था कि एक दिन हम अपनी गाड़ी बुक करा लेंगे यहाँ से। वैसे ही ये मेरे को बात समझ नहीं आ रही, क्या इसमें 2 लीवर्स क्यों होते हैं ये बताओ। ये 4x4 के, मतलब 4x4 इंगेज की चारों टायर काम करेंगे। एक है 4x2 की, सिर्फ अगला टायर पिछला टायर काम करेगा। अच्छा बाकी अपने साइन वगैरह सारे हो गए हैं, बस अब डिलीवरी की वेट है, नानी भी आ चुके हैं। तो भाई लोग फाइनली वो वक्त आ गया है जो हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने। और नानी और क्या हाल है? बस एक थोड़ा सा ना ये लग रहा है कि पापा नहीं आए ना साथ, जे पापा होते तो थोड़ा और मजा आता, जैसे हम कल्ले बैठ के जाएंगे, थोड़ा कल्ला कल्ला लगेगा। बस चलो पापा की वो क्लिप रिकॉर्ड करेंगे, जब पापा को सरप्राइज मिलेगा एकदम से, जब हम गाड़ी लेके जाएंगे ना, फिर जो पापा को खुशी आएगी भाई वो देखने में मजा आएगा। चलो फिर आपको बता देते कि अपनी गाड़ी कौन सी है अभी, ये पकड़ो उठा के। तो भाई हमारी है महिंद्रा की XUV 3XO, ये लो भाई ये चेक करो, ये रही अपनी गाड़ी, और हमने ली है ब्लैक कलर में। मेरे को नहीं पता ये गाड़ी अपनी है कि अंदर चली गई है, वो नहीं पता मेरे को, अंदर है। अच्छा वो ढक दी भाई उन्होंने गाड़ी अंदर, ठीक है, ये नहीं अपनी गाड़ी। हाँ तो भाई 3XO हमने बुक कराई थी, 3XO की डिलीवरी लेंगे अभी। और ये हमारे नितेश भैया जिन्होंने भाई सच्ची में इतना साथ दिया ना हमारा। हाँ तो भाई लोग फाइनली ये रही अपनी नई महिंद्रा XUV 3XO। तो भाई लोग कुछ ऐसी लग रही है अभी अपनी गाड़ी, क्या बात है। बस अभी डिलीवरी हो गई है, चलते हैं अब, ठीक है। फिर आपको बताते हैं क्या क्या फीचर वगैरह इसमें, सब कुछ एक एक करके बताएंगे। और हमारे नितेश सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी वजह से ये सब हो पाया। थैंक यू मैम। इतना
अजीब लग रहा है ना मेरे को, अजीब लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ा वो लग रहा है कि भाई डीजल इंजन चला रहे हैं। एक काम करो, मेरा बैग पड़ा है इसमें, वो निकाल लो। Vehicle is running on low fuel. Please refill. अच्छा बोलती भी है। चलो तो भाई फाइनली फाइनली गाड़ी लेके निकल गए अपनी। ओहो भाई सच्ची यार क्या गाड़ी है भाई ये। मैं गाड़ी की हॉर्न कर दिया भैया। अच्छा नहीं देखा। गाड़ी लिया मैंने, सारी गाड़ी ली है। पहली गाड़ी ब्लैक ली है। आजकल चल ही रहा है। ब्लैक में रहा है। हां ब्लैक इज ओजी कलर लाइक मी। चलो लेट्स गो। अच्छा पहले एक काम करते हैं, हम जा रहे हैं मोहाली गुरुद्वारा में, ठीक है, उसके बाद फिर आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है। पहले एक बार मुझे थोड़ा समझ दो गाड़ी को क्या सीन है इसका। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बर्फी लेने, मिठाई लेने, स्वीट्स में। और भाई अब तक तो काफी मजा आ रहा है इस गाड़ी से लाके। फीचर वगैरह बताएंगे, एक अलग वीडियो आएगी जिसमें इस गाड़ी की पूरी फीचर वगैरह बताएंगे आपको, ठीक है। और गाड़ी देखे और दिखाया दूर से, काले रंग, काला रंग का छोटा। तो फाइनली गुरुद्वारा में हमने यहाँ पे अरदास करवा ली है और अपनी गाड़ी कुछ अभी इस तरह की लग रही है अभी ना। अभी अभी शोरूम से निकले तो थोड़ा गाड़ी चलाने में अजीब लग रहा है, पर ऐसा ही बताऊँ तो गाड़ी काफ़ी स्मूथ है और दिखने में काफ़ी सुंदर है। एक बार पीछे से इसकी लुक चेक करो भाई। और पीछे इसके मिलते हैं अपने को कनेक्टेड टेल लैम्प्स। फीचर की बात चलो फिर कभी करेंगे, फीचर भाई इसमें भर भर के जितने फीचर आपको सब बताऊंगा मैं क्या क्या है, उसकी वीडियो अलग आएगी, ठीक है। पर हाँ आपको एक लुक ऐसे दे रहे थे कि गाड़ी दिखने में है कैसी, इंटीरियर कैसा है गाड़ी का। अभी कवर वगैरह चढ़ रखे हैं, सब कुछ नहीं उतारेंगे अभी हम, इसमें जैसी है वैसी रहने देंगे, ठीक है गाइस। बस अभी घर चलते हैं और पापा के रिएक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो भाई हम जा रहे हैं घर, ठीक है, बस घर पहुंचने वाले, दो लाइटें रह गई है, फिर आपको दिखाते हैं पापा का रिएक्शन। आपको क्या, हम तो हमें खुद नहीं पता क्या रिएक्शन रहने वाला पापा का। कोई ना शीशा खुला हुआ है, क्या बात है क्या बात है भाई। अरे अरे पापा आगे, पापा आगे, पापा जी ये क्या आया पापा, देखो क्या आया ये ठीक नहीं है। आपने कहा था जो गाड़ी है ठीक हो जाओगे। तो भाई लोग अब जो डब्बा मिला अपने को शोरूम से उसको खोल के देखते हैं। सबसे पहले हमको मिल रही है मोमेंट्स की चॉकलेट्स, इसके अलावा मिला है महिंद्रा को एक डब्बा, इसमें काफी कुछ है सामान, मेरे को पता है वैसे इसमें क्या है क्योंकि मैंने इतने लोगों की वीडियोस देखी है ना, तो अपने को पता लग गया कि इसमें क्या होगा। ये बॉय माइक्रोफाइबर क्लॉथ, एक कप और एक कीचेन। कीचेन तो भाई अभी लगा दूंगा मैं चाबी में। ये बुकलेट मिली है जिसमें हम अपना लाइसेंस वगैरह कागज वगज गाड़ी के रखेंगे। बाकी भाई बड़ा सा अपना एक्सपीरियंस रहा उधर, गाड़ी खड़ी अपने फाइनली, सपनों की रानी अपनी आगे अपने घर के सामने, काली गाड़ी अपनी, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में जाके अपनी फिर वो गाड़ी भी लेके आनी है, शोरूम में खड़ा दी थी ना मैंने वो, तो अभी मैं इंटर तो अभी मैं ऊपर करूँगा यहाँ से, फिर अपनी वो गाड़ी भी लेके आएंगे, फिर दोनों गाड़ी यहाँ पे साथ में खड़ा के फिर फोटो खींचेंगे कैंट सी। डेजी लाडू इसको भी दिखानी गाड़ी अभी बाहर जाके है, डेजी तू भी देखेगी, पहचान कर लो उस गाड़ी की, हाँ पहचान कर लो उसकी भी, वो भी तेरी है। हाँ तो भाई लोग ये भी अगले दिन है, वैसे सेम दिन मैं ब्लॉग भी बना पाया, तो अब